बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह टीवी इंडस्ट्री के हर एक कलाकार के लिए फैंस का प्यार उनकी मेहनत का फल होता है। फैंस ही होते हैं जिनसे इन कलाकारों को अपने काम के बारे में पता चलता है। अगर वो अच्छा कर रहे होते हैं तो फैन इनके काम को पसंद करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, पर कभी कभी ये फैन इन सितारों को नाराज भी करते हैं या नाराज हो जाते हैं और इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे डालते हैं। ऐसा ही कुछ केस हमारे टीवी सितारों के साथ हुआ जिन्हें उनके फैंस ने जान से मारने की धमकी दी। आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू करवाएंगे जिनके फैंस ने जान से मारने की धमकी दी। आइए जानते कौन है। नंबर 4, सोना महापात्रा। मशहूर टीवी सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा की जज रह चुकी बॉलीवुड की मशहूर गायिका सोना महापात्रा को स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना गाने के लिए धमकाया गया। ये धमकी मुल्ला मदारिया फाउंडेशन की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा, आप स्लीवलेस ड्रेस पहनकर गाना ना गाया करें, इससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ये इकलौता मामला नहीं है, इन्हें एक बार और लोगों से धमकी मिल चुकी है। हाल ही में इन्होंने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान पर बुरे बर्ताव के लिए इल्जाम लगाया, जिसके चलते सलमान खान के फैंस ने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस बात की जानकारी सोना ने खुद अपने ट्वीट के जरिए बताई। इस ट्वीट के साथ इन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया उसमें लिखा था, एक बार और अगर तुमने सलमान खान के बारे में अपने मुंह से कुछ भी बुरा कहा तो मैं तुम्हें घर में घुसकर मारूंगा, ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। नंबर 3, शिखा मिश्रा। जिंदगी कैसी एक पहेली जैसे टीवी शोज में शिखा मिश्रा ने सपोर्टिंग रोल निभाया, साथ ही भोजपुरी की कई फिल्मों में काम किया। इस अभिनेत्री को संजय पांडे नाम के एक शख्स ने अश्लील मैसेज भेजे और साथ ही रेप करके मारने की धमकी दी। इस धमकी से काफी डर गई, ये इसलिए सीधा पुलिस के पास गई और बाद में शिकायत भी पुलिस को दर्ज करवाई। इस मामले में कई बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को शामिल किया गया। उन्होंने अगले ही दिन इस आरोपी को वाशी में गिरफ्तार किया। नंबर 2, गुरमीत चौधरी। छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता गुरमीत चौधरी को उनके एक फैन ने खुद सुसाइड करने और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। साथ ही वो शख्स इन पर पैसों की धोखाधड़ी का इल्जाम भी लगा रहा था। इस घटना के दौरान ये दुबई में थी, पर मामले की गंभीरता को देखते हुए दुबई से मुंबई वापस आ गए और मुंबई आकर इन्होंने अंकित रॉयल नाम के फैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज कराते हुए इन्होंने बताया, अंकित सोशल मीडिया के जरिए इनका नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। उसने फर्जी पैसों के लेन देन की बात कई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बताई है। आपको बता दें, इस घटना से गुरमीत चौधरी को काफी धक्का लगा। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका कोई फैन इतनी बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। ये बस पुलिस से ये उम्मीद लगाए हैं कि वो मामले में सही कदम उठाएगी। पुलिस में इस मामले में अच्छे से पड़ताल कर रही है, जल्दी आरोपी को पकड़ लेगी। नंबर 1, दीपिका कक्कड़। ससुराल सिमर का सीरियल में सिमर का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री दीपिका कक्कड़ ने बिग बॉस 12 में भाग लिया और 3 महीने के लंबे बैटल के बाद इस शो की विनर बनी। इस शो को जीतने के बाद सोशल मीडिया पर मिक्स रिएक्शन चल रहे हैं, जहां कुछ लोग इनके जीतने से खुश हैं तो कई लोग नाराज भी हैं। इन्हीं नाराज लोगों में से श्रीशांत के एक फैन ने ट्वीट के जरिए इन पर एसिड अटैक करने की धमकी दे डाली। साथ ही इस ट्वीट से इनके लिए गंदी लैंग्वेज भी यूज की और जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, वो इनके जीतने से खुश नहीं है, वो तो श्रीशांत को जीतते हुए देखना चाहते थे। तो दोस्तों, आप ऐसे फैंस के बारे में क्या राय रखते हैं जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को खुलेआम धमकी दे डालते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।